गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, लेसन 3 मोर ऑन पेंट। इन दिस चैप्टर वी लर्न द रिबन, कर्व शेप, पॉलीगॉन शेप, मैग्नीफायर टूल, कलर पिकर टूल, सेविंग द ड्राइंग। इस ड्राइंग में देखिए कौन सा ऐसा शेप है जो आपने कहाँ से लिया है, पेंट से लिया है। कलर द पिक्चर टू कंप्लीट इट। विच शेप ऑफ पेंट हैव बीन यूज टू ड्रॉ इट। कौन कौन सा शेप लिया है, एक तो आपने रेक्टेंगल शेप लिया है और एक सर्कल शेप लिया है, ठीक है। रेक्टेंगल से ही आप स्क्वायर भी बना सकते हैं और ओवल भी बना सकते हैं, ओके। और लाइन टू लिया है, ओके। और ये ट्रायंगल, ओके। अब आते हैं चैप्टर पर। यू ऑलरेडी नो दैट पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पेंट, जिसके थ्रू हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। लुक एट द पेंट स्क्रीन। पेंट स्क्रीन को देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पे, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपके यहाँ पे है पेंट बटन। व्हेन यू क्लिक दिस बटन इट ओपन अ मेन्यू। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं वैसे ही एक मेन्यू ओपन हो जाता है। उसके बाद है आपका टूल ग्रुप। टूल ग्रुप में आपका टेक्स है, ब्रश है, मैग्नीफायर टूल है, ठीक है। और ये शेप ग्रुप में आपके ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइन, ये सारे आपके यहाँ पे शेप हैं। साइज ग्रुप में आपका थिक और थिन, दो आपकी साइज़ें दी हुई हैं अलग अलग वेरिएशंस की। और ये कलर ग्रुप में अलग अलग कलर्स हैं जिसको आप चूज करके फिल करते हैं कलर, ठीक है। तो ये जो सारा आपका है, टूल ग्रुप, शेप ग्रुप, साइज़ ग्रुप, कलर ग्रुप, ये सब किस में आता है, ये जो आपका है ये आता है रिबन में। इट हैज़ कमांड दैट हेल्प अस टू ड्रॉ। ये जो रिबन है आपका पर्पल कलर का दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये सारे ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिबन। अब ये है आपका वाइट एरिया। वाइट एरिया किसे कहते हैं, ड्राइंग एरिया को। वी ड्रॉ पिक्चर इन दिस एरिया। इस एरिया में हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ओके। पाते हैं द रिबन। द रिबन हैज़ मेनी ग्रुप्स दैट हैव कमांड्स टू ड्रॉ आवर पिक्चर। सम ऑफ द ग्रुप्स आर टूल्स, शेप, साइज एंड कलर। ये जो आप अभी देखा आपने कि ये रिबन जो ग्रुप है इसमें क्या क्या है, कलर ग्रुप, साइज ग्रुप, शेप ग्रुप और टूल ग्रुप होते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं ड्राइंग में, ओके। तो ये किस में ये होता है, रिबन एरिया में, ओके। यू हैव यूज्ड मेनी टूल्स एंड शेप इन योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में बहुत से टूल्स और शेप्स के बारे में पढ़ा है। लेट अस फर्स्ट रिवाइज देम बिफोर गोइंग फर्दर। आगे पढ़ने से पहले इसको हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड। पेंसिल टूल से हम क्या करते हैं, फ्री हैंड ड्राॅइंग कर लेते हैं कंप्यूटर पर। फिल विथ कलर इज़ यूज टू फिल कलर इन द क्लोज फिगर। फिल विथ कलर से क्या करते हैं, जब भी कोई आप ड्राॅइंग बनाते हैं जो कि आपका एक क्लोज एरिया होता है तो उसके अंदर हम कलर को फिल करते हैं, ओके। टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू टाइप इन द ड्राॅइंग एरिया। जो आपका ड्राॅइंग एरिया होता है वाइट कलर का, उसके अंदर अगर आपको लिखना है, टाइप करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट टूल। इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ योर पिक्चर। अगर आपने कोई पिक्चर बनाई और वो थोड़ी सी गलत हो गई है तो उसको कैसे इरेज करेंगे, इरेजर टूल से। ब्रशेस टूल कंटेन ए सेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस यूजिंग टू ड्रॉ फ्री हैंड थिक लाइंस। ब्रशेस जो होती हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग थिकनेस की यहाँ पे ब्रशेस दी हुई हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, थिक लाइंस ड्रॉ करते हैं। लाइन शेप इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। और लाइन जो शेप होता है इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल शेप इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ना कि रेक्टेंगल शेप से हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी, ओके। ओवल शेप इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड ओवल। ओवल शेप से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल भी और ओवल भी, ओके। कलर वन इज़ द फोरग्राउंड कलर। इट इज़ द कलर फॉर द आउटलाइन ऑफ अ शेप आर ए टूल। जो आपका कलर वन होता है ये क्या होता है, आप जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे आपने स्क्वायर बनाया, तो जो उसका आउटलाइन होता है वो इस कलर वन का ही कलर होता है, ठीक है।
कलर टू इज़ द बैकग्राउंड कलर, जो कलर टू होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। इट इज़ द कलर ऑफ द इरेजर टूल, और यही कलर आपका इरेजर टूल का होगा, जो बैकग्राउंड का कलर होगा वही आपका इरेजर टूल का, मतलब इरेज करेंगे आप तो बैकग्राउंड वाला ही कलर आएगा वहाँ पे। एंड ऑल्सो द कलर ऑफ द फील्ड शेप, और आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं जैसे आपने स्क्वायर बनाया तो उस जो शेप जो बनता है उसके अंदर भी क्या रहेगा, यही कलर रहेगा। ओके, थैंक यू।